नमस्ते साथियों, माय यूट्यूब चैनल इज AIHR इंटीग्रेटिव हेल्थ। आज आपके साथ मैं इन दो पॉइंट के बारे में बात करूंगा। ये दोनों पॉइंट किडनी मेरिडियन के ऊपर आते हैं और ये पॉइंट किडनी 3 मेरिडियन का पॉइंट है, जिसकी लोकेशन मैंने इन्वेंट की है और मैं अपनी प्रोटोकॉल्स में हमेशा इसी किडनी 3 पॉइंट को यूज करता हूँ। तो आप लोग देखेंगे, चार्ट के अंदर देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, TCM की किताबों में देखेंगे, तो आपको किडनी 3 की पोजीशन जो है डिफरेंट मिलेगी। लेकिन मेरा अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड कलर थेरेपी में दिस इज द पॉइंट किडनी 3 एंड दिस इज द पॉइंट किडनी 6। ये पॉइंट मेरा किडनी 6 है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। इन दोनों पॉइंट से बात करने का मतलब, इन दोनों पॉइंट से क्या हो सकता है बॉडी के अंदर और किस तरह के चेंजेस आते हैं, और ये पॉइंट अगर अंडर एक्टिव होते हैं तो उससे आपके बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ नाइट स्वेटिंग के ऊपर। जो रात में आप लोगों को पसीना आता है, कई लोगों को रात में पसीना सिर के पीछे आता है, ऑसिपिटल हेड में आता है, और कई लोगों को पसीना जो है रात में गर्दन के नीचे आता है और शोल्डर रीजन में आता है और अपर बैक में आता है। इन जगह अगर आपको पसीना आता है तो इट इज नॉट ए हेल्दी साइन। ये आपको रात में पसीना आने का एक अच्छा साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है आपकी जो किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, और किडनी की जो यांग एनर्जी है, यांग इज ऑलवेज हीट, किडनी यांग जो है वो आपकी बढ़ी हुई है, जिसके कारण किडनी इन डिफिशियंट हो जाती है। और किडनी इन डिफिशियंट होने का मतलब किडनी की ओन एनर्जी, किडनी इज इन ऑर्गन, इसकी अपनी एनर्जी इन एनर्जी है। तो इसका मतलब यांग अगर बढ़ गया है तो इन डिफिशियंस हो गया है, तो इन अगर डिफिशियंट हुआ है तो आपको इस तरह से पसीने आने की प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम आने का, अगर आपको इस तरह से पसीना आता है, आपके पेशेंट को आता है, आपके परिवार को किसी में आता है, या आपके रिलेशन में किसी को भी आता है, अगर नहीं भी आता है तो अगर आपको फील होता है कि इसका किडनी के साथ कोई किडनी एनर्जी डिफिशेंसी में कोई इशू हो सकता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपको रात में गर्दन के पीछे या लोअर बैक में या शोल्डर रीजन में आपको पसीना आता है। अगर वो बोलता है हाँ यस, तो रात को अगर मेरे को पसीना आता है तो ही कमिट एक्सेप्ट यस, मेरे को रात में पसीना आने की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब उसके किडनी यांग बढ़ गई है और किडनी यिन डिफिशियंट हो गई है। इसी तरह से किडनी से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसको आप देखकर उसका सिम्टम समझ सकते हैं। इसी से सेकंड सिम्टम एक और है किडनी का, यहाँ पर बहुत से लोगों को क्रैक हो जाते हैं, या रेडनेस आ जाती है, उसके अंदर बर्निंग होती है। जब भी खाना खाते हैं तो दे फील बर्निंग, जो भी स्पाइसी फूड होता है वो यहाँ पर बर्न करता है इस जगह पर, और ये क्रैक आ जाते हैं। ये जो इस टाइप का क्रैक है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है किडनी से रिलेटेड। तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके किडनी के बारे में समझिए, किडनी के बारे में डिस्कस करिए, किडनी को डायग्नोस करने की कोशिश करिए। और इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए, जिसमें आपको मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।